Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ फिलोसफी फर्स्ट सेमेस्टर का. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर आपके एग्जाम से पहले सारे ही रिटर्न नोट्स जो हैं आप तक अवेलेबल होने वाले हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के. और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ, वही आपको एग्जाम में दिखाई देंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. जैसे कि फिलोसफी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमें पता है टोटल 4 यूनिट्स हैं आपके पास. लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने हर एक यूनिट में से करना है, यानी टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं. जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 15 आएंगे, उनमें आपके पास ऑप्शन होगा, उनमें से सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं. प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी आपका 20-30% काम वहीं पर हो जाएगा. यानी आपको क्लियरली पता लग जाएगा कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं हर यूनिट में से, और कौन से चैप्टर्स में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं. सो प्लीज़ एक स्ट्रैटेजी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप क्लियरली वही क्वेश्चंस करो जो आपके एग्जाम में आने, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो. जैसे कि आपके यूनिट 1 के अंदर टोटल 3 टॉपिक है, अब तीनों टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या होता है कि कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो एक चैप्टर में से आता है और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में से आता है. तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में से दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे. तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से एक चैप्टर जो है वो स्किप कर सकते हैं, और जो भी चैप्टर हम स्किप करेंगे उस पर हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे एंड में. जो चैप्टर हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चूज करेंगे उसको हमें डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपने 5-6 पेजेस में वहाँ पे लिखना होता है. जो शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर को हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. अगर उस चैप्टर में से हम 4-5 क्वेश्चंस भी तैयार कर लें तब भी हमारा चैप्टर वो रेडी हो जाएगा. तो इस शॉर्ट ट्रिक के साथ हर यूनिट में से एक चैप्टर जो है स्किप कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा टाइम भी बचेगा और वही क्वेश्चन हम तैयार करेंगे जो एग्जैक्ट एग्जाम में आने वाले हैं. जैसे कि यूनिट 1 के अंदर जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं, एक आपका टॉपिक है नेचर ऑफ फिलोसफी और सेकंड आपका टॉपिक है मेथड ऑफ फिलोसफी. मेथड ऑफ फिलोसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार जो है इस टॉपिक में से जो है क्वेश्चंस आते हैं. जो आपका सेकंड टॉपिक है ना प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी विद स्पेशल फोकस ऑन सोशल इक्वालिटी सेल्फ नॉलेज एंड रैशनैलिटी, ये वाला जो टॉपिक है ना ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लेंगे. इसमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं शॉर्ट वाले, वो अगर आप कर लोगे आपका चैप्टर जो है रेडी हो जाएगा. सिर्फ आपने डिटेल में करना है चैप्टर 1 और चैप्टर 3. और यूनिट टू के अंदर आपके पास 2 टॉपिक्स हैं. इनमें से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 5 रिलेशन ऑफ फिलोसफी विद साइंस एंड रिलीजन. जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी चैप्टर हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे. इसमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही हमने तैयार करने हैं, वो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी. नेक्स्ट आपका यूनिट 3, इसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर्स हैं. इन 4 में से 3 चैप्टर्स जो है हमने तैयार करने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए. जैसे कि चैप्टर नंबर 7 मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, चैप्टर नंबर 8 मोरालिटी इन पर्सनल लाइफ, चैप्टर नंबर 9 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. तो ये तीनों चैप्टर हम डिटेल में अच्छे से तैयार करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. और जो चैप्टर नंबर 6 है एथिक्स एंड सोशल फिलोसफी, ये वाला चैप्टर जो है हम शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे. और यूनिट 4, इसके अंदर भी आपके पास 4 टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 टॉलरेंस, चैप्टर नंबर 12 जस्टिस एंड चैप्टर नंबर 13 कास्ट सिस्टम इन इंडिया. तो ये तीनों चैप्टर डिटेल में हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे. और जो चैप्टर नंबर 10 है आपका स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 4 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में से आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, यानी टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं. जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 18 मार्क्स का होगा, जो आपने 5-6 पेजेस पे लिखना होगा. शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास 15 आएंगे, 15 में से आपके पास ऑप्शन होगा, आपने 9 करने होंगे. एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, जो आपने 4-5 लाइंस में लिखना होगा. लेट्स डिस्कस योर मार्किंग स्कीम. तो यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों यूनिट्स में से आपने एक एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो आपका 18 मार्क्स का होगा, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 9 करने हैं. एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो 9 × 2 = 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन. टोटल आपका रिटन एग्जाम होगा 90 मार्क्स का, और जो इंटरनल असेसमेंट आपकी लगेगी कॉलेज की तरफ से वो 10 मार्क्स की. तो इस तरीके से आपका फिलोसफी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा. नाउ लेट्स डिस्कस योर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ आपके पास उसमें ऑप्शन नहीं है. जितने भी मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी आपको सारे ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं हर यूनिट में से आपको एक चैप्टर स्किप करवा चुकी हूँ. और जिस चैप्टर को मैंने स्किप किया है जिसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं. तो अगर आप एक भी यहाँ पे क्वेश्चन मिस करोगे हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए. तो प्लीज़ रिस्क मत लेना. जितने भी मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगी आपको सारे ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे. यूनिट 1 में से आपके पास 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट
What is philosophy? Explain its nature. Question number 2. Discuss the methods of philosophy. Now unit 2. इसमें से आपके पास दो questions हैं जो exam में आ सकते हैं. Question number 3. What is science? How it is related to philosophy? Question number 4. What do you understand by religion and philosophy? How the two are related to each other? Now unit 3. इसमें से आपको तीन questions जो है अपने exam के लिए तैयार करने हैं. Question number 5. Discuss significance of morality in public life. Question number 6. Discuss significance of morality in private life. Question number 7. State the various theories propounded by social philosophers with regard to the relation of individual and society. Unit 4. इसमें से आपको तीन question तैयार करने अपने exam के लिए. Question number 8. What is tolerance? Outline the significance of inculcating respect for cultural pluralism. Question number 9. Discuss the concept of justice. Question number 10. What is caste system? Discuss the views of Jyotiba Phule, Gandhi and Ambedkar regarding caste system. So, आपका जो philosophy first semester का exam है, उसके लिए आपको total 10 questions तैयार करने हैं अपने exam के लिए. अगर आपने ये 10 questions अच्छे से तैयार कर लिए लिखकर, then you will definitely score very good marks. क्योंकि इन 10 questions के बाहर कोई भी question आपको नहीं आने वाला exam में. इनमें से ही आपको जो है unit wise question दिखने वाले हैं अपने exam में, क्योंकि मैंने आपको ये short trick से बताए हैं. अगर आप ये 10 questions करोगे, आपका time भी बचेगा और easily ये questions जो है आपको learn भी हो जाएंगे. और अपकमिंग डेज के अंदर, 5 to 6 डेज के अंदर आपके एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पे वीडियोस अपलोड होने वाली हैं. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आए जब भी वीडियो अपलोड हो. और एंड में मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटैच किए हैं. यहाँ पर आप एक बार रीडिंग देख कर जरूर देखना कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आए हैं, कितने मार्क्स के आए हैं, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की रीडिंग दोगे तो आपको वही क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं. तो प्लीज़ एक बार रीडिंग जरूर देना. और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है अपने सिलेबस से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई, जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी. होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे.